नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ कोर्ट अपडेट्स देना चाहता हूँ कि आज तेलंगाना हाई कोर्ट में सीबीआई को जो पटिशन विक्टिम एसोसिएशन की तरफ से डाली गई थी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो आज तेलंगाना हाई कोर्ट में हमारे आदरणीय वकील श्री सुधाकर रेड्डी जी वहां पर मौजूद थे और उस तरफ से दो वकील मौजूद थे। और बहस के दरमियान जज साहब ने उस पार्टी से पूछा, विक्टिम पार्टी से, कि भाई इस साल भर से सीबीआई के मामले की जांच चल रही है, लेकिन आज तक आप लोगों ने कोई चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की, आपने कोई रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं किया। तो उन लोगों ने 15 दिन का समय मांग लिया है। तो जो सीबीआई वाला मामला है वो उसका डेट 15 दिन के लिए बढ़ चुका है। तो दोस्तों, ये तेलंगाना सीबीआई वाला मामला था। दूसरी बात की कल 16 तारीख है और 16 तारीख को कल बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सफाई वाले मामले की सुनवाई है दोपहर के बाद। तो कल क्या रिपोर्ट होती है सफाइयों के मामले में, आप लोगों को सबसे पहले मातृभूमि टीवी पर दिखाई जाएगी, तुरंत आपको पता चलेगा कि वहाँ की क्या खबर है। और 18 तारीख को हैदराबाद हाई कोर्ट में भी ये सफाइयों की मामले की सुनवाई है, जिसको तेलंगाना हाई कोर्ट बोलते हैं। और 18 तारीख को ही जो थाना सेशंस कोर्ट है उसमें ऑर्डर आना है कासिम हीरा और नेरुल वाले मामले की। तो साथियों, कुछ कोर्ट अपडेट्स हैं जो कि आपको लगातार मातृभूमि टीवी पर आने वाले समय में मिलती रहेंगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहने के लिए ज़रूर हाजिर हुआ हूँ कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि इस समय कंप्रोमाइज़ फार्मूले के ऊपर बातचीत चल रही है, जिसमें पुणे एसोसिएशन और विक्टिम एसोसिएशन दोनों आमने सामने हैं इस चीज़ को लेकर के। देखिए साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जो कंप्रोमाइज़ वाला वर्ड होता है वो आदमी को काफ़ी इरिटेट करता है, लोग इसको जल्दी सुनना स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे जब कोई दो लोगों के बीच का मामला हो तो उनका अपना पर्सनल ईगो लंबे समय तक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी मामले में जहाँ पे लाखों लोगों का जीवन आपस में परेशानी में हो, वहाँ पर अगर इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकलता है तो उसको निकलने में कोई बुराई नहीं है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो कंप्रोमाइज़ फार्मूले पे बात चल रही है उसका आप लोग समर्थन करिए। जल्द से जल्द 2 से 4 दिन में ही इसका पूरा फैसला आपके सामने आ जाएगा। और इसमें मैं गुजारिश करना उधर से ये रिक्वेस्ट लोगों से किया गया है, उस तरफ से विक्टिम एसोसिएशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि उनकी तरफ से कोई भी ऑडियो कोई भी वीडियो तब तक नहीं बनाएगा जब तक इस मामले में कोई फैसले तक नहीं पहुंच जाते। तो साथियों, उसी तरीके से मैं राजेश मिश्रा आप सभी लोगों से मातृभूमि टीवी के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे कुछ समझते हैं, अगर मेरी इज्जत आप लोग के दिल दिमाग में है, आप सभी लोगों से और आपसे भी, कि आप लोग तब तक कोई ऑडियो वीडियो मत बनाइए। कोर्ट अपडेट्स की ऑडियो वीडियो बनाइए, उस पर कोई मनाही नहीं है, कौन सी कोर्ट में क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, अगर कोई चीज़ अगर बातचीत के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुँचती है और इसमें लाखों लोगों का भला अगर होता है तो उस ऑप्शन को भी स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए साथियों, अक्सर क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये होता है कि हम नहीं झुकेंगे, किसके दिमाग में होता है कि हम नहीं झुकेंगे, तो इसमें किसी को झुकने झुकाने वाली बात नहीं है, बीच का रास्ता निकालने वाली बात है। साथियों, मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ आपको, जिस एग्जांपल का इस केस से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई गलत मतलब ना निकाले जो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। कंप्रोमाइज़ का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ कि आपने देखा था कि 24 दिसंबर 1999 को इंडिया का विमान हाईजैक हो गया था, और विमान हाईजैक होने के बाद उसको कंधार ले जाया गया था।
तो कंधार ले जाने के बाद उसमें हमारे 250 फैमिली के लोग और 250 लोग उसमें थे। तो उन लोगों ने बोला कि भाई 250 लोग के बदले में हमारे 3 लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार थी और वो प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी उस समय रक्षा मंत्री थे। तो उस समय उनको देश के सेंटिमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ा और उन्होंने चाहते तो, भारत चाहता तो मिसाइल छोड़ देता, चाहता तो लड़ाई झगड़ा करता, चाहता तो कुछ भी स्टेप उठा सकता था। एक बड़ा राज्य था, बड़ा देश था भारत। उसके सामने अफगानिस्तान का कोई न तो आर्थिक कुछ भी नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने यह फैसला किया था वो टाइम पे कि हम 250 लोग को छुड़ाने के लिए 3 लोगों को छोड़ देंगे। एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए आपको भूत पे भरोसा नहीं है, आपको दवा पे ही खाली भरोसा है, लेकिन तमाम दवा खाने के बाद कई बार आपकी जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर आप क्या करते हैं कि झाड़ फूँक भी करवा लेते हैं कि चलो यार मुझको तो ट्रस्ट नहीं है लेकिन झाड़ फूँक करवा लेते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसी चीज़ों से लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है। मतलब कि किसी भी चीज़ को इम्प्रूव होने के लिए, कई बार किसी चीज़ को बनने के लिए बिगड़ने के लिए छोटा सा छोटा कारण काफ़ी होता है, और कई बार कोई चीज़ बनने के लिए भी छोटा सा छोटा कारण काफ़ी होता है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये मैंने कंप्रोमाइज़ का एग्जांपल दिया है। इसका अपने जो प्रोग्राम इस समय चल रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इसको अन्यथा में ना ले। मैं खाली लोगों को, जिसके दिमाग में ये ईगो है कि इतना सारा दिन हो गया तो कंप्रोमाइज़ की बात क्यों, ये कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये सारी बात जिसके भी दिमाग में है उनको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने भी समय समय पर एग्जाम में कंप्रोमाइज़ किया हुआ है हालात और सिचुएशन को देखते हुए। पाकिस्तान से दुनिया भर का झगड़ा है, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ की लड़की की शादी में चले गए क्योंकि ये डिप्लोमेटिक बात होती है। अभी जैसे शाहबाज भाई की तरफ से बार बार आ रहा था कि भाई कंप्रोमाइज़ करना है, कंप्रोमाइज़ करना है। अगर पूना एसोसिएशन कंप्रोमाइज़ का एक्सेप्ट नहीं करती है तो लोगों के दिमाग में ये मैसेज आएगा कि भाई वो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं लेकिन पूना एसोसिएशन कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, ये लोग नहीं बात करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं अगर दोनों पक्षों के बारे में, दोनों एसोसिएशन अगर आपस में बात करते हैं और उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है, पॉजिटिव रिजल्ट अगर निकलता है, तो इसका दोनों पक्षों को स्वागत करना चाहिए। और शाहबाज भाई की तरफ से जो प्रपोजल है, अगर पूरे दिल से उन्होंने प्रपोजल रखा है, पूरी आत्मा से चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, तो इसका स्वागत होना चाहिए। और पुणे एसोसिएशन ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, सामने जाके टेबल बैठ के बात करने की बात उन्होंने कबूल की है, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। और देश के तमाम इन्वेस्टरों ने भी इस बात को बताया है कि भाई वो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी तमाम समस्याएं हैं। और दूसरी बात कि कंपनी का बिजनेस भी जिस गति से आगे जाना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, समय ना वेस्ट हो, उसके बाद फिर आपा भी बाहर आएँ, तमाम ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप एकदम बहुत ध्यान से मेरी बात अगर आप सुनेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको ये नज़र आएगी कि अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए और सबको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि पैसा भी चले, पैसा भी मिले, बिजनेस भी चले, आपा भी बाहर आ जाए और लोग आपस में एक दूसरे से सुलह सफाया करके फिर अपनी अपनी दुनिया में लौट जाए, अपना अपना काम शुरू कर दें। दोस्तों देखिए, जीवन है, जीवन में इंसान आज है कल नहीं है, जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक सांस का फर्क होता है। तो सब लोग जिंदगी अपने सुकून से जिए और अच्छे तरीके से, अच्छा कोई रास्ता निकले, सबको सुकून महसूस हो। मैंने चीज़ नोटिस की थी कि जब से कंप्रोमाइज़ की बात हुई थी, स्टार्ट हुई है, तब से लोगों के लोगों को एक
अजीब सा संतोष है उनके दिमाग में, एक पॉजिटिविटी है कि भाई ठीक है, अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता है तो निकलना चाहिए। मैंने ओपिनियन पोल भी लिया है लोगों का, तो काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा है कि मिश्रा जी जो हुआ है आपा के साथ बहुत गलत हुआ है, इतने लंबे समय तक जेल में रही हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन मिश्रा जी अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें किसी का ईगो हर्ट होने वाली बात नहीं है, किसी का सर झुकाने वाली बात नहीं है। अगर वो सामने से आके कंप्रोमाइज़ करने वाली बात कर रहे हैं तो इसमें कोई किसी के भी झुकने झुकाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये मंजरे आम तक पहुंचना चाहिए। और मैं देखिए इसमें चूंकि उनके बीच में बात करने की पूरी तरीके से मना किया गया है, इसके लिए मैं उनके बीच में कोई बात नहीं करूँगा। और मैं अपने सभी दोस्तों से, जो भी लोग मुझे इस समय मातृभूमि टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे सब लोग कोर्ट कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं और तारीख पे तारीख का सिस्टम चल रहा है, अगर ये सिलसिला अगर बंद हो किसी भी तरह से तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ ताकि मतलब आपको ये ना लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, कोई दवा के लिए परेशान है, कोई शादी ब्याह के लिए परेशान है, तो अगर ये बात शहबाज भाई सामने से लाए हैं कि भाई मुझे समझौता करना है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं शहबाज भाई से और मिसवा आपा से, जो दोनों एसोसिएशन के लोग हैं, उन दोनों लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारी जनता की तरफ से, चाहे वो हमारे विक्टिम वाले भाई हो, चाहे प्रो वाले भाई, देखो सब लोग हीरा गोल्ड फैमिली के लोग हैं, मैं कभी भी किसी को प्रो और एंटी ऐसा नहीं मानता, ठीक है, और आपा भी इस बात को नहीं मानती हैं। तो जो भी बात होनी चाहिए उसमें ऐसी कोई भी शर्त ना हो कि ये कंप्रोमाइज़ फार्मूला, मतलब फेल किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, दो कदम आगे बढ़ के अगर कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो मेरे हिसाब से इसका स्वागत होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे दोस्त हमारे बंधु पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के मुमालिक से इस समय मुझे मातृभूमि टीवी के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये परिस्थिति ऐसी पैदा हुई है, ये स्थिति ऐसी पैदा हुई है कि एक टेबल पे आमने सामने बैठने वाली बात हुई है। चूँकि एक साल से पूरा मामला खिंचता हुआ चला आ रहा है और इतना लंबा खींचना नहीं सही है, न तो निवेशक के हित में है, न तो कंपनी के हित में है, न तो आपा के हित में है, न तो शहबाज खान जी के हित में है, न तो किसी के भी हित में है। अगर ये समय काम में सदुपयोग हो, कंपनी का बिजनेस करने में सदुपयोग हो, आपका आपके काम में सदुपयोग हो, सबका अगर कोई सुगम और सुंदर रास्ता कोई निकलता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं दोनों पार्टियों को ये बताता हूँ कि अगर इसमें कोई नाकामयाबी होती है तो बहुत किरकिरी होगी, आगे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। मैंने कल वो भेड़िए वाला बताया था एग्जाम्पल, वो आज बताना मुझे ज़रूरी है कि एक भेड़ चराने वाले थे, गडरिया थे, वो डेली जो है भेड़ चराने के लिए आते थे और झूठ बोलते थे कि अरे भेड़ी आया, मेरी भेड़ ले गया। एक बार चिल्लाए तो पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, उसके बाद फिर तो उनको मज़ा आया, वो हंस के चले गए। उसके बाद दोबारा फिर एक दिन चिल्लाए, भेड़ी आया, मेरी भेड़ ले गया, फिर से लोग इकट्ठा हो गए, फिर लोग बहुत सारे लोग चले आए। लेकिन जब असली भेड़ी आया तीसरी बार, तब उस समय कोई नहीं आया, लोगों ने कहा कि यार मजाक करता रहेगा, जाने दो, आज नहीं चलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ जाके वैसे ही लौटना पड़ता है। लेकिन साथ ही उस दिन ऐसा हुआ कि सही में भेड़िया आया और उसकी भेड़ को लेके चला गया और कुछ नहीं कर पाया। तो साथियों, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से शहबाज भाई को भी बता रहा हूँ और पूना एसोसिएशन को भी साथ ही में इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर लोग बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपने ईगो को ख़त्म करके और आपा के पूरे हितों को ध्यान में रखते हुए
ये पहली प्रायोरिटी है। आपा के हित को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के हित को ध्यान में रखते हुए, सभी निवेशकों के हित में ध्यान में रखते हुए अगर ये लोग किसी भी फार्मूले पर पहुंचते हैं तो सारे लोगों को, चाहे कोई भी लोग हो, सबको इसका पूरी तरीके से स्वागत करना चाहिए। यही मुझे आज बात कहनी है। तो तब तक मैं आप सभी लोगों से बस यही गुजारिश करता हूँ, मैं डेली अपडेट दूंगा, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी न्यूज़ चैनल जो रोज़ आपको हमेशा अपडेट देते हैं, वो सिर्फ कोर्ट की अपडेट देंगे आपको। कोर्ट में क्या हुआ, थाना कोर्ट में क्या हुआ, मुंबई कोर्ट में क्या हुआ, हैदराबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन तक, जब तक इन दोनों लोगों में किसी का एक का बयान नहीं आ जाता या दोनों का ज्वाइंट बयान नहीं आ जाता, तब तक सिर्फ आपको कोर्ट की अपडेट मिलेगी। और आप सभी लोगों से, मेरे सभी भाइयों से, सभी बहनों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि आप सभी लोग कोई भी ऑडियो वीडियो ना बनाएं। और उधर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनाएगा। अगर ये प्रोटोकॉल उधर से कोई तोड़ता है, तभी जैसे पहले का सिस्टम था कि उधर से गोली आएगी, इधर से गोला जाएगा, तो वो सिस्टम रुका रहेगा। जब तक ये कंप्रोमाइज़ फार्मूला किसी मंजेराम तक नहीं पहुंच जाता, जब तक दोनों संस्थाओं में किसी एक का या दोनों का बयान नहीं आ जाता, तब तक कोई भी ऑडियो वीडियो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने किसी भी चैनल पे जारी ना करें, ताकि ये कंप्रोमाइज़ होने में आसानी हो सके। ठीक है, ऊपर वाले से हम लोग ये विनती करते हैं कि अगर ये किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचता है जिसमें सबका भला शामिल हो, अगर लोग अपना अपना गुस्सा थूक देते हैं और ह्यूमैनिटी के आधार पर, मानवता के आधार पर, देखिए अल्लाह ऊपर वाला बहुत बहुत कारसाज है, बहुत ही मतलब उनकी महिमा कोई नहीं जानता, किसके दिमाग में कब कौन सी चेंजिंग आ जाए, कब कौन सा परिवर्तन आ जाए, कोई नहीं जानता। तो अगर ऊपर वाले के रहमो करम से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की महिमा से अगर इस तरह की कोई चीज़ किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचती है, तो सभी लोग उसका तहे दिल स्वागत करेंगे। बस यही गुजारिश करेंगे कि भाई अब बस, अब और नहीं, शतरंज की अब कोई भी चाल नहीं चली जानी चाहिए, क्योंकि मासूम लोग इसमें बहुत परेशान हैं। तमाम लोग, कोई भी खुश नहीं है इसमें। अगर कोई खुश है तो मुझे बताइए, जो बहुत खुश हो कि भाई चलो तारीख पे तारीख चलती रहे। सब हैरान रहते हैं, कभी SFIO में मामला जाए, कभी CBI में जाए, कभी केस फाइनल होगा, कभी क्या होगा। तो अगर सबका मकसद यही है कि डॉक्टर नौहीरा से कापा बाहर आए, सबका मकसद यही है कि कंपनी भी चलती रहे, सबका मकसद यही है कि सबको उनका पैसा भी मिल जाए और आगे भी लोग कंपनी के साथ बने रहेंगे। ऐसे लाखों लोग हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती है। हीरा गोल्ड कंपनी की अपने आप में सबसे बड़ी बात है, जो आज तक किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिली है। भाई मैं तो 50 कंपनियाँ देख चुका हूँ। तो आज अगर इस तरह की कोई बात होती है और यह चीज़ किसी नतीजे पर पहुँचती है, तो इसका आप सभी लोग स्वागत करिए। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इसको सपोर्ट करिए। जब इन लोगों का बयान आ जाएगा, तब हमारा रिएक्शन उसके ऊपर आएगा। और अल्लाह से गुजारिश है, मेरी विनती है मेरी, और आप सभी लोग दुआ करिए कि इन लोगों का रास्ता कोई ना कोई रास्ते पर जल्द से जल्द आए और ये पूरा का पूरा मामला साफ हो और किसी की कोई भी ऐसी शर्त ना हो जो कि ह्यूमैनिटी के अलग हो, और ईगोलेस होनी चाहिए, कोई ईगो ना हो। मुझे इस समय पूना एसोसिएशन वाले भी सुन रहे हैं और विक्टिम वाले भी सुन रहे हैं। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो आप लोग बताइए, और कोशिश करिए कि मेरे इस वीडियो के कमेंट में कोई भी गलत कमेंट किसी के भी प्रति ना आए। तब मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और आपा को कितना प्यार करते हैं, और
आप पैसे के लिए आप कितने कितना सेंसिटिव हैं, इन सारी चीज़ों का एक अच्छा एग्जांपल पेश करते हुए आप लोग कुछ दिन के लिए साइलेंट हो जाइए, यही मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है। तो दोस्तों, कोर्ट की जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपको दूंगा मातृभूमि टीवी पर। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।